सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान आजमगढ़ पहुंचे हैं। वह लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अग्निपथ पर आजम खान ने कहा कि माहौल बिगड़ा है, बिहार की आग यूपी तक आ गई है, मुल्क संगीन दौर से गुजर रहा है, वहीं इंसानों के बीच नफरत पैदा की जा रही है, लोग एक दूसरे के मोहल्ले में रहने से डरने लगे हैं, अग्नि पर लोग चल रहे हैं, तो वहीं हिंदुस्तान ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत छल हुआ और लोग अभी भी छले जा रहे हैं, इस आग में किस किस को निशाना बनाया जाएगा, वहीं होशियार रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में आजम खान 8 साल बाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। यहां उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं। यहां 23 जून को लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।